नमस्कार, न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताज़ातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। मधुबन में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर दूसरे दिन भी रहा जारी। शिविर में कई दिग्गज भाजपाई रहे मौजूद। वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे पर मड़वारी युवा मंच प्रेरणा शाखा व इनर व्हील क्लब ऑफ सनशाइन के द्वारा निकाली गई साइकिल रैली, काफी संख्या में लोग रहे मौजूद। कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष बने इंद्र नारायण वर्मा व सचिव ओम प्रकाश महतो। समाज के लोगों ने माला पहनाकर किया स्वागत। और जय प्रकाश नगर में धूमधाम से मनाया गया मां मनसा पूजा, भक्तों ने श्रद्धा भाव से किया पूजा अर्चना। जनयू के विश्व परिषद तीर्थ स्थल मधुबन के तेलेटी तीर्थ भवन में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे। भाजपाइयों ने सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर नमन किया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। राज्य के राजनीतिक हालत, संगठन की मजबूती, वैचारिक विषय सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बाबत केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान वैचारिक विषय, टेक्निकल विषय और राजनीतिक विषयों पर गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्य पद्धति का अभिन्न अंग है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा, सैद्धांतिक अधिष्ठान, आत्मनिर्भर अभियान, प्रधानमंत्री द्वारा की गई उपलब्धियों, झारखंड के परिस्थितियों आदि पर चर्चा की गई। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कानून अपना कार्य अच्छे से कर रही है। राज्य सरकार के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि यह कानून का मामला है, कानून अपना काम कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी के प्रत्येक मन की बात को अवश्य सुनना चाहिए, इससे हमें जानकारी मिलती है और हम अपना सुझाव भी प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। आज के मन की बात में गिरिडीह का नाम लिया गया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह जिले व राज्यवासियों के लिए गौरव की बात है। प्रशिक्षण शिविर में पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय, विधायक केदार हाजरा, नवीन जायसवाल, जय प्रकाश भाई पटेल, मनीष जायसवाल, पूर्व विधायक निर्भय सहबादी, लक्ष्मण स्वर्णकार, चुन्नूकांत, सुचिता सिंह, पूनम प्रकाश, दिनेश यादव, अशोक उपाध्याय, राजेश प्रसाद, अभयकांत सहाय, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष चंद्र सिन्हा, आरती कुजूर सहित कई अन्य प्रदेश के कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या विषय रहेंगे जो कार्यकर्ताओं को? 27, 28, 29 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर, और इस प्रशिक्षण शिविर में हम अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा है, सैद्धांतिक अधिष्ठान और साथ साथ में व्यवहारिक पक्षों को हम पूरे कई 15 सत्रों में चर्चा करने वाले हैं। उसमें कृषि के क्षेत्र में, रक्षा सामर्थ्य के विषय में, आत्मनिर्भर भारत के विषय में, मोदी जी के उपलब्धियों की, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में हम सब लोग चर्चा करेंगे, और झारखंड की परिस्थितियों पर भी हम लोग का उद्बोधन मिलेगा। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि सर, आप लोग प्रशिक्षण केंद्र का इधर आयोजन कर रहे हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, तो ऐसे में कितना उचित है? देखिए, कानून अपना काम करे और कर भी रही है, उस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। ये कानून का मामला है, कानून का मामला है, और कानून अपना काम अच्छे ढंग से करे, यही है। अभी जिस तरह देखा जा रहा है सर, पिकनिक पॉलिटिक्स टाइप का कुछ हो रहा है झारखंड, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, उनका मामला है, उनसे पूछिए कौन पिकनिक में जा रहा है, कौन बम्बई जा रहा है, कौन दिल्ली जा रहा है, उनका कहीं ना कहीं आरोप था मालूम है। हमारा कोई विषय नहीं है, कानून अपना काम। पीएम ने मन की बात में गिरिडीह का जिक्र किया कुपोषण को लेकर के, इसको किस तरह से क्या कहेंगे? देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, उपलब्धियाँ भी होती हैं, उन सारी चीज़ों का वो उल्लेख करते हैं, उसमें देश में लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, जनता को भी या
गिरिडीह में जो हो रहा सालों से होकर उसको भी दिखाया, उन्हें बच्चों को किस प्रकार से आप फेस करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, हमने आपने देखा होगा करके। और आप सब लोगों से भी कहेंगे कि कम से कम मन की बात प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक वहाँ के अंतिम रविवार को देखा करें, मोदी ऐप से जो करके आपके मोबाइल में कहीं भी आप देख सकते हैं, देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आप भी सुझाव उनको आप दे सकते हैं। बार बार आमंत्रित करते हैं आप लोगों ने सर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को पूरा सुनने का काम किया है सर? नहीं नहीं, हम लोग तो प्रत्येक सप्ताह सुनते ही है, क्योंकि आज प्रशिक्षण वर्ग में यहाँ हम लोग उपस्थित थे, नहीं तो किसी न किसी बूथों पर हम लोग सुनते आज गिरिडीह का भी नाम लिए हुए सुबह गिरिडीह का ही बहुत जगहों का नाम लिया हुआ और प्रत्येक माँ ऐसे प्रकार के मन की बात करते हैं, जहाँ जहाँ इस प्रकार को होता है वो आधा घंटे के अंदर भी जितना संभव हो सकता है नाम लेते भी हैं, दिखाते हैं। तो आप सब लोगों से भी चाहेंगे कि आप सब लोग भी सुझाव दे सकते हैं, आपके मन की बातों को सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हमारा जो कार्यक्रम है उसका एक अभिन्न अंग है और देश के सभी मंडलों में जिलों में प्रशिक्षण शुरू हुआ और अब प्रदेशों का सब प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। जो झारखंड प्रदेश है इसका प्रशिक्षण 27 से शुरू है और आज 28 है, कल 2 वर्ष तक चलेगा और हर जिला अध्यक्ष और जिला प्रधान से ऊपर के हमारे कार्यकर्ताओं का ये प्रशिक्षण चल रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में वैचारिक राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा होती है, टेक्निकल विषयों पर भी चर्चा होती है और आज की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उसके संबंध में भी चर्चा होती है। और देखा जा रहा है सर, क्योंकि आप प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आए हैं और झारखंड में अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, विधायक इधर से उधर हो रहे हैं, ऐसे में यहाँ पे आपका आना भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिक्षण शिविर है, हमारी जो कार्य पद्धति है उसका एक अभिन्न अंग है और हम आज प्रदेश भर के कार्यकर्ता का प्रशिक्षण यहाँ कर रहे हैं। बाहर में क्या राजनीति उथल पुथल हो रहा है उसका असर भी हमारे प्रशिक्षण शिविर पर नहीं होगा, क्योंकि सर देखा जा रहा है क्योंकि आप केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं और अभी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको इस्तेमाल कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण है, हमारी जो कार्य पद्धति है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है और वही हो रहा है। भंडारीडीह में रविवार को रोटरी क्लब के द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यहां पर संस्था के द्वारा लगातार कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं इस बार महीने में 2 बार रविवार को कैंप लगाकर क्षेत्र की जनता को सुविधा प्रदान कर रही है। वहीं बताया गया कि यह भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन का उपलब्ध है जो लोगों को लगाया जा रहा है। वहीं बूस्टर डोज के लिए भी बच्चों के लिए वैक्सीन दी जा रही है, साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज भी दिया जा रहा है। रोटरी क्लब के सचिव अमित गुप्ता ने बताया कि 1 वर्ष से लगातार वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां एक रविवार को छोड़कर दूसरे रविवार को लोगों को 3 वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन्होंने बूस्टर डोज अभी तक नहीं लिया है उन व्यक्तियों और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रिकॉशन डोज लेने की अपील की है। एक रविवार को कोविड वैक्सीन का कैंप लगाया जा रहा है, ये लगातार मतलब कि पिछले 1 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया और हम लोग जो है सिपाही तो रेगुलर लगा रहे थे, अब थोड़े पेशेंट मैंने हमारे वैक्सीन लेने वाले कम हुए हैं तो 1 सप्ताह छोड़ के 1 सप्ताह इसको लगा रहे हैं। और इसमें हमारे यहाँ सुविधा है कि प्रिकॉशन डोज बच्चों को बूस्टर डोज कोवैक्सीन कोविशील्ड कोई भी तरह का जो भी कोविड वैक्सीन को चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है और यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा उपलब्ध है।
वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा और इनरविल सनसाइन के संयुक्त तत्वावधान में झंडा मैदान से साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली की शुरुआत प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष अर्चना केडिया और इनरविल सनसाइन की अध्यक्ष अर्चना कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह साइकिल रैली झंडा मैदान से टावर चौक, स्टेशन रोड, गांधी चौक होते हुए अग्रसेन चौक तक पहुंची। इस रैली में रोटरी क्लब, ग्रेडी, विजय इंस्टीट्यूट, किरण पब्लिक स्कूल के बच्चे व टीचर, समाज के सम्मानित लोग, बार एसोसिएशन, कार्मेल स्कूल के बच्चे, समाज के सभी सम्मानित सदस्य आदि संस्थाओं ने भागीदारी दर्ज की। इस बाबत बताया गया कि साइकिल चलाने का उद्देश्य यह है कि आज के प्रदूषण भरे वातावरण में साइकिल चलाकर हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। साइकिल चलाने से हमारा शरीर फिट बना हुआ रहता है, साथ ही प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। कार्यक्रम का समापन अंगदान, नेत्रदान और ब्लड डोनेट जागरूकता अभियान सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाकर किया गया, जिसमें समाज के लोगों को इसके प्रति जागरूक किया गया। साथ ही बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करने की बातें कही गई, ताकि गिरिडीह शहर में ब्लड की कमी ना हो। कार्यक्रम में गिरिडीह प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, कार्यक्रम संयोजिका कविता राजगढ़िया, इनरविल सनसाइन की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, एडिटर स्मृति आनंद, नमिता जमवार, रमनप्रीत सलूजा, खुशबू केडिया समेत दोनों संस्था के सभी सदस्य मौजूद थी। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा और इनरविल गिरिडीह सनसाइन के द्वारा आज दिनांक 28 तारीख को गिरिडीह सिहोड़े स्थित कुशवाहा छात्रावास में कुशवाहा संघ की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुशवाहा संघ के लिए अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चयन करना है, जिसके लिए सुबह 9 बजे से ही मतदाता मतदान कर रहे हैं। संघ के द्वारा बताया गया चुनाव का परिणाम आज ही शाम तक घोषित करने का उम्मीद है। वर्तमान में कुशवाहा संघ के अध्यक्ष पूरन महतो है, जो सरिया के रहने वाले है, और कोषाध्यक्ष सहदेव वर्मा है। वहीं देर शाम समाज के लिए लोगों के द्वारा वोटिंग प्रक्रिया तथा चुनाव काउंटिंग प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद कुशवाहा समाज के अध्यक्ष के रूप में इंद्र नारायण वर्मा, सचिव के रूप में ओम प्रकाश महतो, कोषा अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर कुलदीप नारायण निर्वाचित हुए। वहीं लोगों ने नए अध्यक्ष और कोषा अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस संदर्भ में बताया कि जो समाज के द्वारा हमें दायित्व मिला है, उसे निर्वहन करते हुए समाज नेता में एकता अखंडता को बनाते हुए कार्य किया जाएगा। वहीं मुख्य रूप से कुशवाहा संघ के बैठक में जिला परिषद मुनिया देवी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, दिलीप वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष पूरन महतो, जिला परिषद सदस्य प्रभाव वर्मा, बैजनाथ वर्मा, कोलेश्वर वर्मा, दिगंबर प्रसाद दिवाकर, मुन्ना कुशवाहा, डॉक्टर कुलदीप नारायण, केशव क्रांतिकारी, जयकांत सिकरे, पंकज कुशवाहा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कुशवाहा संघ के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। पूरे लोग 6 माह से पूरा तैयारी कर रहे थे कि कुशवाहा संघ का अध्यक्ष का चुनाव हो। तो सभी सर्वसहमति से पूरे गिरिडीह जिला वालों कुशवाहा संघ ने आज कुशवाहा संघ का चुनाव किया है और फोन करके भेजे हैं हमारे इंजीनियर मनीष वर्मा जी, इंजीनियर नारायण वर्मा जी, कोषा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कुलदीप नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। और धन्यवाद भी देती हूँ कि जिस तरह से ने हमारे कुशवाहा भाइयों, बंधुओं, बहनों मिल करके जो जिम्मेवारी दी गई है, जिम्मेवारी को अपना जिम्मेवारी समझे और जिम्मेवारी को निभावे। बहुत समाज में नए लोग हैं, पुराने लोग भी हैं, समाज बहुत दिन से चल रहा है हम लोग का संगठन। आज एक जवाबदेही हमको भी मिला है, मैं उसको देखो भी जहाँ तक होगा मैं प्रयास करूँगा कि ईमानदारी पूर्वक निभाऊँ और समाज को आगे ले जाने के लिए जो विंग बनाना होगा मैं उस हर आदमी को साथ दे करके एक हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ है कि अभी मेरी जीत नहीं है, ये कुशवाहा संघ की जीत है। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नता प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाई
हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउटडोर कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहां के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोदी लेदा गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के CMO डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारे। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया मगरपुर सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखे, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए, हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक टॉप, नाइटी, गरारा सरारा, लहंगा चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक गए तो कुछ खबरों की ओर।
30 अगस्त को निर्धारित आंदोलन को सफल बनाने के लिए नागरिक एकता मंच कार्यकर्ता के पटना मालडा बद्दीडी पदार फिहार आदि गांवों में चौपाल लगाकर लोगों को आंदोलन को सफल बनाने के लिए समर्थन मांग कर मौके पर समाज सेवी कांग्रेस यादव सुरेश मंडल अरविंद गुप्ता जीप सदस्य इमरान अंसारी आदि कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह जिला जूडो संघ के तत्वाधान में 7वीं जिला स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का शुभारंभ 27 एवं 28 अगस्त को किया गया था। इस चैंपियनशिप में पूरे जिले से 15 स्कूल और क्लब के 200 जूडो ने भाग लिया था। इस चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में चैंपियनशिप में 30 केजी में बिरला स्कूल के अमोल उपाध्याय, स्वर्ण पदक आयुषी लहरी एवं सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल जगजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वही सीनियर वर्ग में 60 केजी में स्वर्ण पदक सागर कुमार, रजत निंसार अंसारी, तंजीम इस्लाम अंसारी, आयशा खातून एवं प्रिंस प्रभाकर ने स्वर्ण पदक जीता। गिरिडीह जिला योगासन संघ द्वारा बरमस्या के पंडवाल सेवा सदन में चल रहे 2 दिवसीय जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का समापन किया गया। समापन समारोह में जिले भर से भाग ले रहे खिलाड़ियों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल सर्टिफिकेट एवं सभी प्रतिभागियों पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। वहीं 12 स्वर्ण, 8 रजत और 4 कांस्य पदक कुल 88 पॉइंट लाकर न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल चैंपियन ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही और 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक कुल 18 पॉइंट लाकर श्री गुरु नानक विद्यालय उप विजेता चैंपियन टीम बनाने में कामयाब रही। जिला अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सभी स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए एक राज्य स्तरीय कैंप का आयोजन जल्द गिरिडीह में किया जाएगा और यहां से चयनित खिलाड़ियों को आगामी माह में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में गिरिडीह जिला योगासन संघ के नवनीत कांत सिंह, संतोष शर्मा, अनीता ओझा, अमित स्वर्णकार, रणधीर वर्मा, सोनी साहा, दयानंद जायसवाल, चंदन शर्मा, शिव शर्मा, आकाश स्वर्णकार, उमेश कुमार, शशिकांत, सपना रॉय, परमेंद्र कुमार, मुक्ता कुमारी, रूबी प्रकाश, उत्कर्ष कुमार, समता देवी का अहम योगदान रहा। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। गिरिडीह में पहली बार जिला स्तरीय स्पोर्ट्स एसोसिएशन का आज एक 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ जिसके आज समापन दिवस था। 27 और 28 का 2 दिन का यह कार्यक्रम बहुत ही बृहद रूप से चला जिसमें कि करीबन 10-12 स्कूल के बच्चों में 150 बच्चे पार्टिसिपेट किए। इन 150 बच्चों में सभी बच्चों को, जो बच्चे लोग गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 सिहोटी में शनिवार की रात मशहूर गायक मुकेश कुमार की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मुकेश कुमार की 56वीं पुण्यतिथि के मौके पर द गोल्डन वॉइस क्रॉकरी सिहोटी द्वारा एक शाम मुकेश के नाम कार्यक्रम का आयोजन श्री हरि वर्मा मार्केट के प्रांगण में किया गया। इस मौके पर गिरिडीह के एक से बढ़कर एक गायक ने अपने आवाज से मुकेश कुमार के गानों को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को शॉल और बुके देकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद अशोक राम, पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, समाज सेवी पप्पू सिंह, गोदाम प्रबंधक पीरताड़ कृष्ण कुमार नीलम, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, सानू डेकोरेटर के बबलू, नयनदीप सिन्हा उपस्थित थे। कार्यक्रम में लोगों ने मुकेश कुमार के गानों को सुनकर गिरिडीह के गायकारों का काफी तारीफ किए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में द गोल्डन वॉइस के मोहम्मद इजाज, कासिम खान, सुभाष कुमार, विक्रम शर्मा का योगदान सराहनीय रहा।
लोगों को और हमारे गुरुजन और हमसे जो छोटे हैं उन सबों का स्नेह और आशीर्वाद चाहूंगा। मुकेश जी के बारे में मैं कुछ बता सकूं, इतनी बड़ी बड़ी चुनाव मेरी हुई नहीं है, लेकिन उनके आज पुण्य के अवसर पर ये अवसर जो मुझे प्रदान किया गया उसके लिए मैं सही ढंग से आप सबों का सही ढंग का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। के लिए हम लोग बहुत बहुत बधाई दे पाते हैं और जो आयोजन करता टीम है उस पूरे टीम को जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और पूरा आनंद लीजिए आप लोग और मुकेश जी के हम लोग भी जो है फैन रहे हैं मुकेश के गानों का। तो आज जो है इस समारोह में आकर आप जो है मुकेश के गानों को सुनकर आनंदित हुए और आप लोग के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शहर के वार्ड नंबर 15 जेपी नगर करबल्ला रोड में इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मां मनसा पूजा मनाया गया। बताया गया कि हर साल मोहल्ले वासियों के सहयोग से लगभग 35 वर्षों से मां मनसा पूजा मनाया जा रहा है। इस साल भी मोहल्ले वासियों के सहयोग से श्रद्धा भाव और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भारी संख्या में आसपास के अलावे अन्य श्रद्धालु लोग मौजूद थे। पूजा के बाद भक्ति भाव के साथ भक्ति भजन भी आयोजित किया गया। इस दौरान सांप का खेल भी दिखाया गया जिसको देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताया गया कि रात में भक्ति जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया वही कल भंडारे के बाद इसकी समाप्ति की जाएगी। मौके पर वर्तमान पूजा के मुख्य पुजारी अनिल राम और सहयोगी पुजारी राजू राम पूजा कमेटी के सूर्यदेव प्रसाद यादव सुरील राम महेश सिन्हा धीरज सिन्हा राजकुमार झा मनोज राम अर्जुन दास पप्पू राम सतीश राम सुरेश मालाकार राजेश राम सौरभ झा रीतलाल रजक सरजू चौरसिया अभिषेक गणेश राजू चिंकू संजय भोला फाट परिषद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी आदि उपस्थित थे। जय मां मनसा। हमारे वार्ड नंबर 15 के जयप्रकाश नगर में लगभग 35 वर्षों से मनसा पूजा होता आ रहा है और इस बार भी बहुत धूमधाम से हमारे पूरे मोहल्ला के सहयोग से मनसा पूजा मनाया जा रहा है। आज रात भर कीर्तन भजन होगी और कल भंडारे के बाद मनसा पूजा की समाप्ति होगी। हमारे पूरे मोहल्ले के लोगों के सहयोग से पूजा धूमधाम से इस बार हो रहा है। जय मां मनसा। ये तो मैं आज का फिर मिलते अगले कुछ खबरों के साथ, तब तक लीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।